मज़ीद बात करते हैं जी कराची किंग्स की बोलिंग की तारीफ़ें वैसे आज हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो स्टार्ट उन्होंने दिया पेशावर ज़ल्मी के, जो ऊपर के जो दो टॉप उनके बैट्समैन हैं दोनों LBW आउट हुए, जो बॉल अंदर आती है स्पेशली जो न्यू बॉल के साथ एक प्रेशर क्रिएट करते हैं मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें या दीगर बॉलर्स ने भी टूर्नामेंट में हमें ये करके दिखाया है, शाहीन शाह अफरीदी, तो मलिक साहब क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जो बैट्समैन नहीं रीड कर पा रहे हैं? उनको पता होता है कि अभी ये स्विंग होगी बिकॉज ज़ाहिर है न्यू बॉल के अंदर ये टेंडेंसी होती है, बट स्टिल वो मिस कर देते हैं। देखिए ये कल भी हमने बात की थी कि अगर आप रेगुलर एक जो बॉल हमारे फास्ट बॉलर हैं आप नेट प्रैक्टिस करते हो पाकिस्तान टीम के साथ होते हो तो आपको उनका एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। हम वकार वसीम के साथ खेलते थे तो दुनिया में सारी दुनिया को आगे लगाया होता था, मगर चूंकि हम रोज़ खेलते थे उनको तो हमें बहुत आसानी होती थी उनको खेलने में बाकियों की निस्बत, हमें भी होती थी मगर बाकियों की निस्बत हमें थोड़ी आसानी थी कि हम रोज़ खेलते थे उनको, हमें पता था कि क्या स्विंग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोग इन स्विंग जब होती है ना तो वो उनकी पहले जो टांग है ना वो थोड़ी सी क्रॉस जाती है, आप अक्सर देखिएगा जब क्रॉस जाती है ना तो फिर वो वहाँ उनका पाँव स्टक हो जाता है। जैसे यूसुफ ने उस दिन बताया था ना, यूसुफ वेट करता है और वेट करने के बाद फिर अगला उसकी मूवमेंट होती है कि किस तरह बॉल जा रहा है। हम लोग जब पहले ही मूवमेंट आगे टांग क्रॉस ले जाते हैं ना, मलिक साहब अगर आप हमें डेमोंस्ट्रेट कर दें यार, हमारे यंग जो फैंस देख रहे हैं मरवाएंगी मुझे आज, आप उनके बाद एविड फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग। देखें मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ शायद हाउ टू प्ले। देखें होता क्या है कि जब आप जब खेलते हैं ना तो आपकी जैसे उस दिन यूसुफ बता रहे थे कि उनकी मूवमेंट ये होती थी उसके बाद फिर अगली मूवमेंट होती। होता क्या है कि कुछ लोगों की जाने के बाद ना यूं चले जाते हैं, ये पाँव उनका इस साइड पे आ जाता है, जब इस तरफ से लेफ्टी बॉल का आ रहा होता है ना फिर वो यहाँ फंस जाते हैं। होना तो ये चाहिए जब आप जाते हैं ना तो जैसे ही जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना जितने भी दुनिया के आप देखें उनकी एकदम वापस आती है वो, उनका पाँव एकदम वापस आएगा और वो खेलेगा। हम जो जब यहाँ फंसते हैं तो फिर उसके लिए खेलना इन स्विंग या तो वो LBW होगा या उसके पैडों पे लगेगा ही लगेगा अगर वो यहाँ स्टक हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो मूवमेंट है ना आपके पाँव की वो आपको बड़ा क्विक होना पड़ता है, आपको रेडी होना चाहिए। जब आप गए हैं तो उसके बाद जैसे ही इन स्विंग आई आपका पाँव यूँ आता है। लोग क्या करते हैं यहाँ जब फंस जाते हैं ना फिर वो LBW ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को मेरा ख्याल है प्रैक्टिस से ही आती हैं ये चीज़ें, और जितने बड़े बड़े नाम हैं उनको तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया मलिक साहब फॉर दैट वेरी यूज़फुल टिप, आई एम श्योर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। यूसुफ भाई ने भी शो एक दो शो पहले बहुत सिमिलर हमें बताया था फुटवर्क के बारे में, और ज़्यादातर यही है कि किस तरह ये जो आप कॉमन मिस्टेक्स है बहुत ही लिमिटेड अगर आप अपनी एडजस्टमेंट करें तो आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। स्पेशली यूसुफ भाई आप में आपसे शुरू करेंगे, हसीबुल्लाह का नाम आप काफ़ी शोज से ले रहे थे कि इसको खिलाएं इसको खिलाएं, आज उस लड़के ने अपना स्किल भी दिखाया है और जिस पोजिशन पर वो आए बैटिंग करने जब 3 डाउन थे सिर्फ 3 रन बने हुए थे ऑन द बोर्ड, एक यंग प्लेयर के लिए उस सिचुएशन में आना और फिर 30 बॉल्स पे 50 करना बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इस लड़के के साथ मैंने काम किया है एकेडमी में भी और अभी टेस्ट मैचेस में हमारे साथ रहा एक हफ्ता, और इसको मैं 2 साल से देख रहा हूँ, बड़ा मेहनती लड़का है और इसमें टैलेंट है, ये कुछ करना चाहता है, हर वक्त मेहनत करता है, बहुत मेहनती लड़का है, फिट है, और जिस तरह ये आज खेला है मैं तो फिर हैरान हूँ कि आज इसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया। ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर है क्योंकि एक लड़का आ रहा है यंग है इमर्जिंग है, दूसरी बार हुआ है इस तरह के कोई यंग प्लेयर तो परफॉर्म कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि 3 स्कोर पे 3 आउट हैं और एक यंगस्टर आ रहा है अंदर और उसने आके 172 के स्ट्राइक रेट से 50 की है, उसको आप मैन ऑफ द मैच नहीं दे रहे। मुझे नहीं समझ आ रही कौन लोग बैठे हुए हैं जो ये मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं, ये तो वैसे ही दे देना चाहिए, एक यंगस्टर है उसका मोराल हाई होगा, कौन लोग हो तुसी। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या, एक तो जब उसने रन्स किए इजी माहौल हो गया था, बॉल बैट पे आना शुरू हो गया था, बॉल सॉफ्ट हो गया था, ये तो उस वक्त आया जब बॉल थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था, नया बॉल था, हार्ड था, और एक यंगस्टर आके इस तरह की इनिंग खेलता है तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए उसका
उसको मैन ऑफ द मैच देना, डेब्यू गेम थी उसकी, मेरी समझ से बाहर है ये क्या डिसीजन लिया उन्होंने। बहरहाल ये तो यंगस्टर है ना, वो थोड़ी बड़ी एज का है, वो 27-28 साल का मेरा ख्याल है, ये तो इमर्जिंग प्लेयर है, पिछले साल वर्ल्ड कप खेला है, 18 years to 19 years कोई ऐसी एज है, ये वर्ल्ड कप खेला है ना, लास्ट वर्ल्ड कप खेला है, फिर ये अभी इस साल अंडर 16 में भी शायद ये खेले जी, और ये जिस इलाके से है, बहुत छोटे इलाके से है, बलोचिस्तान के पशीन से है मेरा ख्याल, और जिस तरह की ये कितना मुश्किल होता होगा एक छोटी जगह से, आप पहले कोयटा आते होंगे, वहाँ अपना खेलते होंगे, फिर उन्हें कहीं यहाँ बुलाते हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग आगे आते हैं, और ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा प्रेस करना चाहिए, और ये टाइम था जिस तरह की उसने, ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है या वैसे प्रेस कर दें, नहीं उसने करके दिखाया, एक मुश्किल टाइम पर आके उसने जो 50 की है उसको इससे ज़्यादा प्रेस करना चाहिए था 100%। और ये तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे वो इस चीज़ को फील ना करे, आपने उसको करेज करने के बजाय थोड़ा मैं समझता हूं डिस्करेज हो गया, तो बिल्कुल देना चाहिए था मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट। शावर ज़ल्मी विल बी स्लाइटली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बिकॉज नाउ इवन विद द नेगेटिव नेट रन रेट थोड़ी वो एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि अब वो लीग का स्टेज आ गया जिसमें हर मैच ज़रूरी है, पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं, और फिर आपके विनिंग मार्जिनस भी बहुत ज़रूरी हैं, तो ये बात भी अब कैप्टन्स को सोचनी होगी कि खाली जीतना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे कन्विंसिंग वे में जीतना ज़रूरी है। आते हैं जी अब कराची किंग्स की चेस के ऊपर, जो कि हमने अभी बात की बिफोर द ब्रेक के 200 जो है, इट वॉज़ नॉट अ वेरी हाई स्कोर, इट वॉज़ नॉट समथिंग जो आउट ऑफ ग्रास्प था फॉर कराची किंग्स। थोड़ा सा उनका स्टार्ट जो है मैथ्यू वेट की वजह से अच्छा गया, 53 उसने कर लिया, ऑल्दो कोई इतना इम्प्रेसिव स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन स्टिल समथिंग दैट पेशावर ज़ल्मी डिड नॉट हैव। नहीं, ये स्टार्ट उनका इतना बुरा नहीं हुआ, अगर आप देखें कि मैथ्यू वेट ने पूरा 10 की एवरेज लेके चला, जितनी देर भी वो रहा उसने कोशिश की कि मैं मेंटेन रखूं। अब हुआ क्या कि सामने से विकटें गिरनी शुरू हुई, जब विकेट्स गिरती हैं T20 में आप देखिएगा एकदम रन रेट गिरता है, क्योंकि आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये विकेट ऐसी थी कि इस पे मेरा ख्याल में, जैसे आप हसीबुल्ला को देख लें, उसने इस विकेट गिरने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इन्होंने भी कोशिश की मगर चूँकि इनकी विकटें एकदम गिरती गईं, तो उससे फिर मैथ्यू को जो उसने आउट किया है मुजीब ने, टोटली डिसीव किया, गुगली की वो स्वीप मारने गया और बोल्ड हो गया। तो ये मेरा ख्याल में कि बहुत सारी गलतियां बैट्समैनों की सेकंड इनिंग में हुई, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो गया हुआ था, 10 की एवरेज मेंटेन, मैं आपको हमेशा कहता हूँ 10 की एवरेज मेंटेन करना ना, जितनी बड़ी टीम हो, जितना मर्जी अच्छी टीम हो, उसको चेज करने में प्रेशर ज़रूर आता है, क्योंकि मेंटेन रखना होता है, आपने एवरेज जैसे ही बढ़ती जाती है टीम अंडर प्रेशर आती है, और उसमें फिर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। बेसिकली कराची किंग्स जो हैं वो आज मैदान में उतरे थे एग्जाम की तैयारी करके, लेकिन जो सवाल है ना वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया और बेसिकली उन्होंने तो उसकी तैयारी नहीं की हुई थी। मुजीबुर रहमान और अजमतुल्ला की बॉलिंग जो है थोड़ी सी सरप्राइजिंग, और ये कभी कभी यही चाहते थे पेशावर ज़ल्मी कि जो उन्होंने चार चेंजेस किए हैं, यू नो, एक नई एनर्जी लेकर आए, अगली टीम के लिए भी थोड़ा सा मिस्ट्री हो। ये सारा चार चेंजिंग नहीं किया है, बिल्कुल स्कोर उसने किया है, तीन जो बॉलर चेंज हुए हैं उन्होंने 8 विकेटें ली हैं, सिलेबस एक ने 28 दो ने 28 रन दिए हैं, तो ये खाली सिलेबस नहीं चेंज हुआ, ये किसी और क्लास का पेपर आ गया, पेपर आउट हुआ था लेकिन उन्होंने दूसरा रख दिया आगे। बहरहाल कराची किंग की भी गलतियाँ भी हैं अपनी, स्पेशली मैं कहूँगा बैटिंग में, इरफानुल्लाह नियाज़ी को भेजने का जो डिसीजन है अब किसका है ये अल्लाह ही पता है, क्योंकि हम वहाँ है नहीं, हम ना किसी कोच पे डाल सकते हैं ना कप्तान पे, के मिल के डिसीजन हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि ये इरफानुल्लाह नियाज़ी और ये जो दूसरा इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर लिया हुआ है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, तैयब ता है, नहीं इनका ही है, वो पहला मैच खेला था, ये कासिम अकरम, ये दोनों हो सकता है कि इम्प्रूव कर जाएँ कभी, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है इस क्रिकेट के लिए जो मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि वसीम भाई ने ये नहीं देखे होंगे, किसी ने इनको कहा होगा तो उन्होंने ले लिए, मुझे लगता है, तो अगर उन्होंने देखा होता नहीं लेते ये दोनों प्लेयर, मुझे ये आई एम श्योर, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, कल को ये अच्छे भी हो सकते हैं, नियाज़ी भी अच्छा हो सकता है, कासिम अकरम भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, और उनको चौथे नंबर पर भेज देना
मेरे ख्याल ये जब चेज हो रहा हो और बिल्कुल ही बैड डिसीजन था। अगर कोई बंदा नहीं आना चाहता ऊपर तो मेरा ख्याल है कप्तान को आ जाना चाहिए था, क्योंकि कप्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है अभी तक इन नंबरों पे मैंने नहीं किसी को देखा ऐसे खेलते हुए। आज भी 190 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है, 10 चौके हैं उसके, एक छक्का है, बिल्कुल जिस तरह की एक फॉर्म में है इसको खुद ऊपर आ जाना चाहिए, खुद ऊपर आना चाहिए। अगर कोई और नहीं आना चाहता तो इसको आ जाना चाहिए। कोई और है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इसको आना चाहिए था, ये मैच जीत सकते थे, ये दोनों मिल वेड और ये दोनों ले जाते मैच जी आसिफ। ये मुझे लगता है कि ये इन्होंने वो किया। ये सर भाई कोई और नहीं भाई, मेरा नाम ही लेना, आपने अपनी बात करनी है, उसको खुद आना चाहिए था, रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए थी। आप दो ही अपनी बात करें, मिडिल ऑर्डर ही, कराची का जो मिडिल ऑर्डर चल रहा है वो बॉलिक और माद के ऊपर ही चल रहा है, तो उनको उन्होंने यंगस्टर भेज दिया जो कि आके उन्होंने विकेट थ्रो की और सारा प्रेशर मैथ्यू हेड पे आ गया, कि जो कि उसने बाद में वो हिट मारने गया तो वो भी आउट हो गया, क्योंकि आपको वो प्रेशर, आप सीनियर प्लेयर थे, आप उसके साथ आते, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते, नीचे से आवाज आ जाता पांचवें कहते, हो सकता था कि ये चेज हो जाता, मगर अब आपने वही कि दो एक दो यंगस्टर को आगे भेज दिया, उसने बॉल डॉट बॉल भी हुई, फिर वो आउट भी हो गया और फिर आपके ऊपर डबल प्रेशर आ गया जो कि बाद में आपने हैंडल नहीं हुआ। बिल्कुल, और बेन कटिंग भी नीचे थे, तो अगर एक अच्छा फिनिशर भी उनके पास है तो ये अगर तो ये थोड़ा सा शफल होता ना ऑर्डर तो शायद